Welcome back to my YouTube channel. How are you? I hope you will very nice at your home. तो दोस्तों आज मैं फिर से अपने खेत पे आया हूँ और शाम को बजे 5 और सनसेट हो चुका है. आप देख सकते हो पूरी तरह से सनसेट नहीं हुआ है लेकिन बस अब 1 घंटे बाद पूरी तरह से सनसेट हो जाएगा. तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में क्योंकि हमारी फसल है ना अब लगभग कटने को आ गई है. आप देख सकते हो ये सरसों जो लगभग पक चुकी है और उधर साइड फसल कट रही है. हमने कुछ मसूर भी लगाई थी तो वो आ गई है क्योंकि मसूर की जो वैलिडिटी होती है वो 60 से 70 दिन की होती है गलन गलन फसलों की. तो वो आ गई है और उसमें काटने लगे हुए इधर साइड में आपको वो भी दिखाऊंगा. पीछे की साइड लगे हुए ये सरसों जो लगभग पक चुकी है 10 से 12 दिन में कटना शुरू हो जाएगी. तो मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर हमारी मसूर कट रही है वहाँ पर. बने रहिए वीडियो में दोस्तों. इसमें बस थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी 8 से 10 दिन उसके बाद. ये भी देख सकते हो दोस्तों ये मसूर जो पूरी तरह से पक चुकी हुई कटाई का काम शुरू हो गया मसूर का. दोस्तों देख सकते हो और मसूर में काफी अच्छी फली आई है. लदाव भी अच्छा है आप देख सकते हो और इधर कट भी चुकी है कुछ मसूर. लेबर लगी हुई काटने देख सकते हो आप वीडियो में. कुछ फसल अभी खड़ी हुई है कुछ कट चुकी है. 10 से 15 दिन में सारी फसल कटने वाली है इसके बाद आपको कुछ नजर नहीं आएगा यहाँ पर. तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक करिए कमेंट्स करिए शेयर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग स्टे कनेक्टेड. जल्दी जल्दी काटो. तो दोस्तों दीपक यहाँ पर बोल रहा है कि जल्दी जल्दी काटो क्योंकि काटने वाले बहुत धीमे लगे हुए हैं. बोलो जल्दी करो. जल्दी करो जल्दी. दोस्तों ये है दीपक. क्या दीपक